फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। आज है स्क्वाट्स का वर्कआउट। स्क्वाट्स का पावर बढ़ाना है या फिर थाई का मसल ग्रोथ करना है तो आपको इस तरह का वर्कआउट करना होगा जिस तरह का आज वीडियो में दिखाया जा रहा है। लास्ट तक जरूर देखना, रेपिटेशन देखना, डेप्थ देखना, तरीका देखना, पोस्चर देखना कैसे मारा जाता है। तो चलते हैं वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तो कहूँगा कि जितने भी बिगनर्स हो या इंटरमीडिएट्स हो या एडवांस वाले, अगर आपका ऑफ सीज़न चले, और बिगनर्स इंटरमीडिएट वाले लोग के लिए तो ये भी बोलेंगे कि ऑफ सीज़न ऑन सीज़न अगर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के लिए सिर्फ ज्वाइन की हो जी तो आप इस तरह का रेपिटेशन वाला ही वर्कआउट करो, जिससे आपका थाई का मसल भी स्ट्रांग होगा, पावर भी बढ़ेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स शरीर में भी बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखो बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स वाले, और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी पावर लिफ्टर्स हैं, अगर वो अपना ऑफ सीज़न वर्कआउट कर रहे हैं तो इस तरह का रेपिटेशन ज़रूर दें ताकि उनका मसल का पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है स्क्वाट्स का। अगर आप स्क्वाट्स करते हैं तो बहुत लोग स्किप करते हैं स्क्वाट्स को, उस दिन जाते नहीं हैं जिम, तो नहीं, जिस दिन स्क्वाट्स का वर्कआउट रहे, लेग डे रहे, उस दिन खास करके आप जिम जाओ, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है स्क्वाट्स। अगर आप करते हो तो हम आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल ग्रोथ करता है, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बिगनर्स इंटरमीडिएट्स वाले, आप इसी तरह का वर्कआउट करो, ज़्यादा अच्छा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करो।